ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर वन का और मैंने बड़े सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन लास्ट 20 लेक्चर्स में डिस्कस किए दोस्तों। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 20th एंड द कॉन्सेप्ट नेम इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू बेरी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट, दिस मनी मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग पीरियड, दोज आर नॉट गिवन इन यू नो इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। जल्दी से बेटे रजिस्टर ओपन कर लें। आज लास्ट क्लास में बड़ा एक्साइटेड हूं, लेक्चर चैप्टर वन पूरा कंप्लीट हो रहा है और बेटे 20 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए। चैलेंज है किसी ने भी यूट्यूब में रिकॉर्ड किए हो तो बेटे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए। क्या बात है बेटा, इसको बोलते हैं प्यार। आइए ग्रेट मॉर्निंग ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर वन। आप सभी हमारे टेलीग्राम का जो लिंक इस क्लासेस के नीचे दिया है, लेक्चर्स के नीचे, यूट्यूब के उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज उन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें बिकॉज ये सभी क्लास नोट्स मैं आपको वहां पर देना स्टार्ट कर दूंगा। बेटे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर 20th, आज हम कंसेप्ट कर रहे हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बेटे मैं आज आपको बार्टर सिस्टम में लेके चलूंगा और बार्टर सिस्टम में होता क्या था, जब एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से सामान आदान प्रदान करते थे। बेटे पैसा तब इन्वेंट नहीं हुआ था, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुई थी बेटे। ओनली गुड्स आर बीन ट्रांजेक्टेड इन अगेंस्ट ऑफ गुड्स। धीरे धीरे जमाना बदला, स्टोन एज से हम नेक्स्ट एजेस में आ गए। बेटे सतयुग का जमाना आया, द्वापर, त्रेता और आजकल कलयुग। बिजनेस की बातें हुई, धंधे की बातें हुई। ACCA ग्राउंड जीरो के मैंने 20 कॉन्सेप्ट्स अलग से अपलोड किए हैं यूट्यूब में। चैप्टर वन आज कंप्लीट हो रहा है, आप अगर वो 20 कॉन्सेप्ट्स के 20-25-30 लेक्चर्स होंगे बेटे वो अपलोड कर दिए सारे के सारे। अगर आप उनको अटेंड कर लें उसके बाद आप ये अटेंड करें, डांस करना स्टार्ट कर दोगे डांस। तो मैं कहानी बता रहा हूं बाटर सिस्टम की, मैं कहानी बता रहा हूं स्टोन एज की। एक वो भी जमाना था जब मनी नहीं हुआ करता था बेटे। आज हम बात करते हैं करेंसीज की, गोल्ड स्टैंडर्ड की, फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, चाइनीज युआन, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी। बेटे मनी सिस्टम आ गया। तो मैंने आपको यह बताना है, व्हेन आई से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, When I say recording of transactions, when I say preparation of ledgers, whether you are a USA company or whether you are an American company, Japanese company, Australian company, Bangladeshi company, Pakistani company, we always record. We only record those things, those transactions which are having monetary value. बेटे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम किलोग्राम, लीटर्स, डजन नहीं बेटे, ये बेकार की बातें हैं। आई विल नॉट रिकॉर्ड ऑल दीस ब्ला ब्ला ब्ला। पांच दर्जन केले लिए क्या 5 दर्जन वन नोट करूं बेटे? हाउ मच इज द कॉस्ट, हाउ मच इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट 5 dozen ऑफ बनानास? आई विल रिकॉर्ड दैट वैल्यू, मैं उस वैल्यू को रिकॉर्ड करने वाला हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं प्लीज अपना क्लास रजिस्टर ओपन कर लें। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। लिखेंगे बेटे, लास्ट है ना क्लास, लिखेंगे बेटा, टेबल चेयर में बैठेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे और ईमानदारी से सिंसियरली करेंगे, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा आपके घर में आकर इतनी तेज। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसका मतलब देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जिनको मनी टर्म्स में रिलेट नहीं कर सकते, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करनी है। इंफोसिस एक कंपनी है बेटे, वो पूरा धंधा उसका ह्यूमन रिसोर्स पे चलता है। अब ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, वी कैन नॉट क्वांटिफाई इट। सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, बेटे मैगी नूडल्स की बात नाम सुने तो वी कैन नॉट क्वांटिफाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वी कैन नॉट क्वांटिफाई द वैल्यूज, द सर्विसेज, द नॉलेज विच CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज और ही पोजेसेस।
सो वी कैनॉट रिकॉर्ड दोज थिंग्स, वी विल ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू मनी फॉर्म. तो लिखेंगे बेटे ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी केप्ट इन मॉनिटरी यूनिट्स. बेटे मॉनिटरी यूनिट्स में होने चाहिए रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, फ्रेंच फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक, ये सभी मॉनिटरी वैल्यूज हैं. हम किलोग्राम, पाउंड, डजन, ग्राम, नथिंग लोग लिखे. रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर टू बी केप्ट इन मॉनिटरी यूनिट्स एंड नॉट इन फिजिकल यूनिट्स. ठीक है जी. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, आपने बताना है कि वेदर वी कैन रिकॉर्ड इट और नॉट. सेल ऑफ गुड्स, बेटे गुड्स को जब हमने बेचा तो इट मस्ट बी हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, सो दिस इज अ वैल्यू हैविंग मॉनेटरी, सो वी विल रिकॉर्ड. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, बेटे एक्सपेंसेस को हमने रोकने में दिया है. देखिए ना आप, देखिए कैटरीना कैफ क्या कह रही है, आपको कुछ कह रही है बेटा कैटरीना कैफ, देखो देखो क्या कह रही है. क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा. बेटे कैटरीना कैफ भी कह रही है पैसा पैसा पैसा. इसका मतलब वी विल ओनली रिकॉर्ड, यू नो वी विल ओनली रिकॉर्ड दोज थिंग्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश. रिसिप्ट ऑफ इनकम, अगेन रिसिप्ट ऑफ इनकम इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब बेटे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को मैंने अपॉइंट किया, उसको मॉनेटरी वैल्यूज में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैपेबिलिटीज ऑफ इंप्लॉइज, I cannot quantify the capability of employees and hence this cannot be recorded. Factory on a piece of land of 2 acres, बेटे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स एंड दैट वैल्यू विल बी रिटन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, व्हेन वी रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर यू विल रिकॉर्ड इन डजन्स, किलोग्राम, नो, वी विल कैलकुलेट रादर द वैल्यू एंड देन दैट वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. होप आपको बात समझ आ रही है. बेटे आइए एक बार विकिपीडिया, लास्ट लेक्चर है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं विकिपीडिया क्या कह रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में. बेटे कंसेप्ट की डेफिनेशन तो बहुत बार देख चुके हैं बेटे. हम ये कह रहे हैं द मॉनिटर दिस रिक्वायरमेंट जनरली एवरी रिकॉर्डेड इवेंट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी इज एन आइटम और वेरीफाइबल रिकॉर्ड दैट इज जनरली एक्सेप्टेड टू पेमेंट्स फॉर गुडविल एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स. बेटे मनी की फॉर्म में कर रहे हैं आप. इस अच्छी तरह से अगर आप देखें तो यूनिट ऑफ मेजर, अब आप देखिए यूनिट ऑफ मेजर, अ यूनिट ऑफ मेजर इज डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी डिफाइंड एट दिस. सो द लॉजिक इज एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वी विल ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन मॉनेटरी वैल्यू. बेटे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप बिल्कुल भूलना मत, हल्का मत लेना. इन्हीं बातों के साथ मेरा पूरा चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 6 के 6 कंसेप्ट बेटे मैंने पूरी बातें करी हैं. आप ईमानदारी से अगर देखें तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बताया बेटा. ये देखो पूरी स्लाइड्स डिस्कस की हैं, पूरे स्लाइड्स बनाए हैं और ये सारी की सारी स्लाइड्स मैंने नीचे मेंशन भी कर दी हैं. टेलीग्राम का लिंक मेंशन किया है, वहाँ भी अपलोड करूँगा. बेटे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप मुझे अपने घर ले जाओ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता बेटे मैं. इससे बढ़िया, इससे ईमानदारी से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी गूगल रियल केस स्टडीज गाने मोटिवेशन बेटे बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. आप बस अब घर ले जाना मेरे को अपने, ज़्यादा आपको लगे तो बी हैप्पी. चैप्टर 2 में मिलेंगे बेटे, चैप्टर 2 के भी कुछ लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.